हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि आप लोग जो आइकॉग्निटिव मोड में सर्च करते हैं वो सभी सर्चेज आपकी सेव होती हैं? जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो आइकॉग्निटिव मोड में जो सर्च करते हैं वो सभी सर्चेज आपकी सेव होती हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आप उन सर्चेज को कैसे डिलीट करें, आप अपने आइकॉग्निटिव मोड की हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, और साथ ही साथ अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में प्रेस करें बेल आइकन जिससे हमारी नई वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो आप लोग जैसे जो क्रोम पे चलाते हैं या क्रोम पे खोलते हैं आइकॉग्निटो मोड की, जिससे आपकी हिस्ट्री सेव ना हो, आपकी आइकॉग्निटो मोड की हिस्ट्री आपकी सेव होती है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप अपने आइकॉग्निटो मोड की हिस्ट्री कैसे डिलीट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर CMD पैनल को ओपन करना है। दोस्तों, ये देखिए मेरा CMD पैनल है, ये कमांड प्रॉम्प्ट इसको कहते हैं दोस्तों, तो जिसमें अब मेरा ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, सबसे पहले अब आपको इसमें टाइप करना है IP config स्लैश फ्लश DNS, और आपको एंटर कर देना। दोस्तों, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, आपको जो टाइप करना है वो करना है IP config स्लैश फ्लश DNS। दोस्तों, आपको ये हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको देख के डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको अब इसके बाद आपको एंटर कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप एंटर करेंगे, इसमें आपको लिख के शो हो रहा होगा कि देखिए सक्सेसफुली फ्लश द DNS रिसॉल्वर कैचे। तो दोस्तों, आपकी जो हिस्ट्री वो डिलीट हो चुकी है। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस फैक्ट को नहीं जानते थे, दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो लोग भी इन चीज़ों को जान पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, तब तक आपसे मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।